हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जिसकी प्रजाति दिन भर दिन लुप्त होती जा रही है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हिंदी में गोडावण भी बोलते हैं, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो पहले इंडिया के कई क्षेत्रों में पाया जाता था, आज सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही देखने मिलता है। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पूरे साल ना के बराबर बारिश होती है और किसी भी पशु या पक्षी का जिंदा रह पाना बहुत चैलेंजिंग होता है, वहीं पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये गोडावण जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क और पोखरण के आसपास के इलाकों में इनहैबिट करते हैं। जैसलमेर के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कुछ गिने चुने प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनहैबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी इन गुजरात, नलिया ग्रासलैंड्स इन कच्छ, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश एंड रोल्लापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। बट इफ वी टॉक अबाउट द मेजर एग्रीगेशंस, तो ये गोडावण डोमिनेंटली और मेजरली जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। फीमेल बस्टर्ड्स अपीयर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द मेल वंस, और मेल बस्टर्ड में वेल डेवलप्ड पाउच स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर्ड टू द फीमेल्स। जब मेटिंग सीजन होता है, तब मेल्स ये जगलर पाउच इन्फ्लेट करके फीमेल्स को अट्रैक्ट और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। एंड वंस द मेटिंग इज डन, अ सिंगल फीमेल लेज 1 to 2 एग्स एट अ टाइम। बट विद द गोइंग टाइम्स, देयर पॉपुलेशन इज फेसिंग सम सीरियस थ्रेट्स विद द अपकमिंग चैलेंजेस। We all know that Jaisalmer district is the hottest region in India as compared to other regions. यहाँ पर पूरे साल sunlight का maximum penetration रहता है। राजस्थान के इस इलाके को साल भर maximum sunlight मिलती है, और इसी कारण यहाँ पर जगह जगह solar panels और wind powers भी install किए जा रहे हैं, जिसके कारण Great Indian Bustard का habitat कम होता जा रहा है। And above all, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर लाइंस भी लगाए गए हैं, और जब कोई बस्टर्ड उड़ता है तो ये पावर लाइन से टकराकर नीचे गिर जाता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज किल्ड। और अब तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन इस हद तक एक्सप्लॉइट हो गया है कि सिर्फ 150 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं, ओनली 150। However, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनिशिएट किया था, जिसके तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जितने भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, उनको प्रॉपर फेंसिंग प्रोवाइड की गई थी। और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के कंसिडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राजस्थान गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स अंडरग्राउंड करने का बोला था। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग अ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें ये भी सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ाकर हमारा काम खत्म नहीं होता है। वी डोंट ओनली हैव टू सेव देम, बट ऑल्सो देयर हैबिटेट। कैप्टिव ब्रीडिंग करके हम उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो लेंगे, पर उनका हैबिटेट कैसे बचाएंगे? Let me tell you what you can do on a single scale. Simply save electricity. ये मत भूलो कि तुम्हारे घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पावर लाइन्स और सोलर पैनल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। Please don't waste electricity. Remember, only 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर लेफ्ट। सेव दिस ब्यूटिफुल बर्ड फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। We will be back again with more such informative videos. Till then, go green, save environment and save electricity. Thank you.